क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, रोड से लेके गाड़ियों से लेके, है ना। गाड़ी स्पीड बताती है, वो स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें लिखा रहता है काफी ज्यादा स्पीड लिखी होती है। तुम सोचते हो इतने क्यों नहीं चलती। एक स्पीड गवर्नर और होता है, जहाँ अपन कार चलाते हैं ना, रेस देते हैं, उसके नीचे लगा देते हैं अपनी स्कूल बसों में, इसमें तो वो फिर स्कूल बस कितनी तेज चलनी चाहिए, 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। और वो गवर्नर उसको रोक के रखता है, उससे ज्यादा नहीं। और कोई भी तुम्हें जो लाता है ना व्हीकल तेज चले, तो उसकी शिकायत करा करो सर से, है ना। हाँ बताओ सर, घुमटी घुमटी उसमें खड़े होके वो इशारे देता है ना, लाइट चली जाती है। हाँ भाई रुको, इधर वाला चलो, पुलिस इधर चलो, मेरे पेट के साइड से चलो। और पूछो भाई, और पूछो, आज पूछना चाहिए सबने। हाँ तू पूछ बेटा, अच्छा किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है, बच्ची पूछे। हाँ ये पूछेगा सर, अभी जो टेनिस बनाता वो तेज कार चलाने की वजह से कौन दानी ये कौन है दानी टोकर मर गया। अच्छा वो चला चला के दिखाता होगा, मैं इतना बाबूजी जैसे कोई बच्चे चला दो ना धूम मचा ले। अच्छा बाद में क्या होता है, गिर जाता है ना, तो फिर क्या कर मम्मी बचा ले। तो तेज नहीं चलाना ना, बजाओ ताली जोर से। सही बात पूछी इसने, बहुत अच्छा सवाल पूछी। ये पूछ रहा है कि छोटे बच्चों को क्यों नहीं चलाने देते। बेटा जैसे अपन छोटे बच्चे हैं, अपन कितना वजन उठा सकते हैं, कम वजन उठा सकते हैं, तो गाड़ी में भी वजन ज्यादा होता है, वो संभलता नहीं ना, ताकत नहीं होती उतनी, है ना। तो और छोटे बच्चे में कई बार बहुत ज्यादा चपलता रहती है, बहुत तेज चलता है वो, फास्ट बढ़ने के चक्कर में, तो एक्सीडेंट की संभावना होती है ज्यादा, इसलिए वो छोटे बच्चे की एक उम्र होती है। वैसे तो तू कहेगा कि बच्चे को पैदा होती है सब ब्याह कर दो, तो थोड़ा बड़ा होने दो, ज्यादा बोझ आ जाएगा फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो एक उम्र होती है सब चीज की निश्चित। हाँ अरे हिमेश ने सब ये पूछ रहा है। हाँ लाइसेंस की अगर ओरिजिनल रखी होगी या फिर फोटोकॉपी, अगर जब कोई पुलिस वाले पकड़ लेगा ओरिजिनल रखा करो, अगर फोटोकॉपी होता तो भी फोटोकॉपी नहीं है, वो डिजिटल डिजी लॉकर होता है जो मोबाइल में रख सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ तो रखो, फोटोकॉपी भी रखो तो सही, लेकिन फोटोकॉपी के बजाय ओरिजिनल ही रखना होता है, क्योंकि कल एक्सीडेंट हो गया ना तो ओरिजिनल मांगते हैं, फिर और कोई पकड़ लेगा तो ओरिजिनल मांगेगा, फिर वो रखने से क्या फायदा जिसको कोई मान ही नहीं रहा। जैसे तू एक नोट है तेरे पास 500 का, तू कभी मतलब नकली रख लो, फिर उससे कुछ ले लेगा नहीं। फिर ओरिजिनल ही रखना पड़ेगा ना, 100 का ही हो, फटोड़ा हो थोड़ा सा, वो तो चल भी जाए, सर मेरे पास ये थोड़ा सा फट गया, लेकिन बिल्कुल ही नकली लेके तो पुलिस पकड़ ले। आ जा बेटा, अब कल ना तेरी शादी हो जाए, दुल्हन नकली लिया है। तो ओरिजिनल चाहिए कि ना बेटा, प्लास्टिक की थोड़ी जो दुकान ना खड़ी रहे। और बताओ इसकी बात सुनो। हाँ बेटा दोबारा बता सर एक क्वेश्चन। अरे तू रुक जा, तेरा हो गया इसका, ये कह रहा है गलती करी है तो पैसे लेके छोड़ देगी ऊपरी, वो तुम्हें लगता है पूरे पैसे ले रहा है, वो उसको जुर्माना लगा रहा है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सब पैसे खोसने के लिए ले रहा है ना, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे एक बात बताओ, मम्मी पापा से पैसे मांगती है तो घर खर्च के लिए थोड़ी मांगती है ना, बाद में अपने को लगता है यार ये मम्मी को तो दे देता, अपने को नहीं दे रहा, लेकिन वो काम में लेती है ना, हल्दी मिर्च नमक धनिया तो वो ही लाएगी ना, तो वो जो जुर्माना होता है
वो तो होता है। अगर कोई गलत पुलिस वाला गलत पैसे लेता है तो वो गलत है, तो गलत तो चीज गलत ही है ना। मम्मी भी एक्स्ट्रा पैसे ले लेती कई बार, दे दो लहरिया ले आऊंगी लहरिया, पति भी बहरिया बन जाता मेरे। क्वेश्चन, हाँ आप लोग मोटरसाइकिलों के चालान ज्यादा करते हो कारों के कम? ये तेरे को लगता है ना, तेरे को मोटरसाइकिल ज्यादा दिखती है रोकते हैं सब। भाई कार तो एक भी रोकती तो तीन रोकती, ज्यादा दिखने लग जाएगी। उतनी सी जगह में 18 मोटरसाइकिल आ जाती है, तो तेरे को अंदाजा होता है कि मोटरसाइकिल ज्यादा होती है।